और अब बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हुए एक सियासी विवाद की। इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बालाघाट के परसवाड़ा भादुकोटा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा आयोजित हुई थी। कथा के दूसरे दिन बालाघाट विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन भी दरबार में पहुंचे थे। जब वे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने मंच पर जाने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री के बाउंसर ने उन्हें रोका, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई, जिसके बाद गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी गुस्से में दरबार से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारी गौरीशंकर बिसेन को मनाने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। बता दें कि आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने इस रामकथा का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही वहां पे मंच पे जाने की कोशिश उन्होंने यहाँ पे की, लेकिन बाउंसर्स ने यहाँ पे रोक दिया उन्हें। और अब ये वीडियो जम के वायरल हो रहा है तेजी से। बालाघाट के परसवाड़ा भादुकोटा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा का आयोजन हुआ था और कथा के दूसरे दिन बालाघाट विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं गौरीशंकर बिसेन, वो यहाँ पे पहुंचे थे दरबार में। जैसे वो आशीर्वाद लेने के लिए मंच की तरफ जाते हैं तो उनके बाउंसर्स जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री के, वो उन्हें रोक देते हैं, जिसके बाद विवाद यहाँ पे बढ़ जाता है, नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच जाती है और उसके बाद गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी गुस्से में दरबार से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ के रवाना हो जाते हैं। भभूति का वितरण द्वार पर भभूति लेकर कौन कौन जाएगा? तुम लोग बहुत कैसे उदम यहाँ भगदड़ न मचाना, आप हमारी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमें संवाददाता हितेन जो कहते हैं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे सामने आई और मंत्री जी नाराज होकर निकल भी गए यहाँ से। जी देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा के ग्राम भादुकोटा में 23 और 24 मई को जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वनवासी राम कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें 24 मई की रात में जो है कथा चल ही रही थी। इस दौरान जो है मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जो है वो मंच में जा रहे थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें नीचे पे मंच पर ही जो उनके बाउंसर रहते हैं और सुरक्षा कर्मी रहते हैं उनके द्वारा रोक लिया गया। इस बीच जो गौरीशंकर बिसेन जी के जो सुरक्षा कर्मी थे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो बाउंसर जो थे, इन लोगों के बीच में आपस में विवाद हुआ। इनका बीच बचाव करने के लिए गौरीशंकर बिसेन भी गए, गौरीशंकर बिसेन का भी बहुत बाउंसरों के साथ में विवाद हुआ और बिसेन इतने नाराज हो गए कि वो चलते कार्यक्रम को छोड़ के हुए अपनी बेटी के साथ में बालाघाट के लिए रवाना हो गए। इसके बाद जो है ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और इनके जो बिसेन के जो समर्थक हैं उनमें काफी नाराजगी देखी जा रही है। जी, वीडियो वायरल होने के बाद किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है क्या? जी देखिए, अभी तक किसी की प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है तो इसका सोशल मीडिया में लोग जो है अपने अपने हिसाब से जो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है आने वाले मतलब चुनाव में भी हो सकता है कि देखने मिले। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका कहते हैं। अरे हटो ना, 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 हटो